ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बेरोजगारों को एक और सौगात देते हुए गहलोत सरकार ने एलडीसी 2013 की अटकी भर्ती की नई घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रथम चरण में 4000 पदों तथा शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि गांव ढाड़ी तक विकास कार्यों को मूर्त रूप देने और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका है। राज्य सरकार निरंतर फैसले लेकर प्रदेश में पंचायती राज को सशक्त बना रही है। गुरुवार को सीएम आवास वीसी के माध्यम से पंचायती राज विभाग की योजनाओं या बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को गति देकर अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार ने गांवों के विकास को गति प्रदान करने के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। इन नए पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए जहां पर कोई सरकारी भवन रिक्त या अनुपयोगी स्थिति में है तो उसका उपयोग किया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है वहां नए भवनों का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। नव सज्जित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम सचिवालय की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से किया जाए, जहां आमजन को एक ही स्थान पर ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पंचायती राज विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दी जाए। साथ ही ग्रामीण विकास राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाए। सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं उनमें परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। 15वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के तहत होने वाले विकास कार्यों एवं योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि लोगों को इनका समुचित लाभ समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे निर्देश दिए हैं कि गांवों के सर्वांगीण और समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बजट घोषणा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। मास्टर प्लान भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करे। इसके लिए पटवारी एवं अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गोवर्धन योजना को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने के लिए राज्य से अधिकारियों की एक टीम भेजकर छत्तीसगढ़ राज्य की गोधन न्याय योजना का भी अध्ययन कराए। समीक्षा बैठक के दौरान विभाग की सचिव पंचायती राज मंजू रामपाल ने 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व आयोग सहित विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी दी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।